हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? डूइंग गुड। आपने कैपिटल गेन की एग्जेम्पशंस तो देख ली। आपने कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन देखी अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, EC, EE, F, G, GA, GB, राइट? कुछ सेक्शंस में आपने ये भी देखा था कि आपको कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। मतलब अगर आपने रिक्वायर्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं की तो आप पैसा कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में डाल दीजिए तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, राइट? लेकिन आप ये सोचिए कि उस अल्टीमेटली करना क्या था। उस कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट से पैसे निकाल के इन्वेस्ट करना था जिस भी स्पेसिफाइड एसेट में इन्वेस्टमेंट कहा गया है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा भाई? पैसा खाते में डालने का तो एग्जेम्पशन था नहीं, खाते में डाल के उसको फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए आपको एग्जेम्पशन मिल रही थी। व्हाट इफ यू हैव नॉट इन्वेस्टेड दोज मनीज टेकिंग आउट फ्रॉम दैट कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट? What will happen in that situation? अच्छा, दूसरी चीज, आपने एसेट परचेज कर ली, रिक्वायर्ड एसेट जो थी वो परचेज कर ली और उसके बेसिस पे आपको एग्जेम्पशन भी मिल गया, और फिर आपने एग्जेम्पशन क्लेम करने के बाद उस एसेट को बेच दी, तो क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए कि नहीं? उसके बिल्कुल होने चाहिए। अरे सरकार आपको उस एसेट में इन्वेस्ट कराना चाहती थी तभी तो आपको एग्जेम्पशन दी है, आप एग्जेम्पशन लेके उस एसेट को ही बेच दे रहे हो तुरंत, तो ऑब्वियसली आपने जो कंडीशन है एग्जेम्पशन की वो कंप्लाई नहीं की यहां पे। तो व्हाट विल हैपन इन ऑल दिस सिचुएशंस, यही हम लोग देखने जा रहे हैं आज की क्लास में। आइए, कैपिटल गेन स्कीम, इफ न्यू एसेट इज नॉट एक्वायर्ड अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, F, G एंड GA, कौन से सेक्शन मिस हो रहे हैं बताइए? कौन से सेक्शन मिस हो रहे हैं? You'll find कि सेक्शन मिस जो हो रहे हैं वो है 54EC, 54EE और 54GB। ये तीन सेक्शन है, इसके अलावा बाकी बात हो रही है। कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट इन तीनों सेक्शन में था ही नहीं, इसलिए इसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है? कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट जहां जहां पे ऑप्शन था, 54EC में क्या था, आपको NHAI, REC इन सब के बॉन्ड खरीदने थे, तो इसके लिए तो 6 महीना मिलता ही है, राइट? इसमें कुछ सोचना थोड़ी ना है, तो आपको कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट नहीं मिला। 54EE क्या था, आपको उस फंड में पैसा लगाना था जो फंड फर्दर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है करता है, तो 6 महीने का समय यहाँ मिलता है। 54GB क्या था, ये आपको एक स्टार्टअप में, एक एलिजिबल स्टार्टअप में 25% या उससे ज़्यादा, मोर देन 25% आपको इक्विटी शेयर लेना है इन एन एलिजिबल स्टार्टअप। तो भाई यहाँ पे भी आपने देखा कि 54GB में भी आपको समय कितना मिलता है कि रिटर्न फाइल करने के पहले पहले तो उस स्टार्टअप ने भी पूरा पैसा कहाँ लगा दिया हो, एसेट्स में लगा दिया हो, मतलब पहले तो आप पैसा लगाएंगे, ठीक है, और फिर रिटर्न जमा करने तक वो स्टार्टअप फर्दर एसेट में भी इन्वेस्ट कर दिया हो, तो यानी इसके लिए भी बहुत कम समय आपको इमीडिएटली करना पड़ेगा। आपको अपनी रिटर्न के पहले पहले पैसा जमा इन्वेस्टमेंट कर देनी होगी और उस स्टार्टअप को भी अपनी रिटर्न के पहले पहले उस पैसे को एसेट में लगा देना होगा। तो अगेन यू गेट वेरी लेस टाइम, तो देयर इज नो कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट इन दीज थ्री सेक्शंस। तो बाकी जहां पे भी कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट मिल रहा है उसके लिए बात कर रहा है, और द फुल अमाउंट कुड नॉट बी इन्वेस्टेड अप टू द डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, द एसएससी कैन डिपॉजिट द डिजायर्ड अमाउंट अंडर कैपिटल गेन स्कीम ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। अगर आप पूरा पैसा या पार्शियल पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो तो आपको कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में पैसा जमा करना होता है अपनी रिटर्न जमा करने के पहले पहले, एंड दस कैन एक्वायर द एसेट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम आउट ऑफ द मनी विदड्रॉन फ्रॉम सच स्कीम एट अ लेटर डेट। बाद में आप इसी स्कीम अकाउंट से पैसा विदड्रॉ करके आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट? जो भी आपको टाइम लिमिट दी गई है। इन दिस, इन द सेक्शन, इन द केस ऑफ सेक्शन दिस एंड दिस, द कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट इज नॉट एप्लीकेबल। इसमें कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट एप्लीकेबल नहीं है, इवन जीबी में भी एप्लीकेबल नहीं है। अब चाहे तो मैं मेंशन कर देता हूं यहां पे, एंड 54GB, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द न्यू एसेट एक्वायर्ड इज ट्रांसफर्ड विद इन 3 ईयर्स ऑफ इट्स एक्विजिशन। जो एसेट आपने नई एक्वायर की है जिसके बेसिस पे आपको एग्जेम्पशन मिला है, वो एसेट आपको 3 साल होल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। अंडर सेक्शन 54, 54B, D, G एंड GA फॉर कंपटीशन ऑफ न्यू कैपिटल गेन, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच न्यू एसेट शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन दिस अर्लियर। क्या बोलता है, अगर आपने 3 साल के अंदर ट्रांसफर किया तो देखिए,
आपकी सेल कंसिडरेशन थी 5 करोड़ रुपए, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था आपका 3 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए आपका कैपिटल गेन आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। आपने इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जिम्प्ट कराने के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, आपको एग्जिम्पशन मिल गई इसके बेसिस पे। कौन से सेक्शन में? इनमें से किसी भी सेक्शन में मिली, 54 54 बी डी जी जी ए, इन सभी सेक्शन में कितनी एग्जिम्पशन मिलती है? जितना इन्वेस्टमेंट करते हो उतनी एग्जिम्पशन मिल जाती है। तो आपको एग्जिम्पशन मिल गई बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्ट कितना किया था ये भी बता दिया आपको, आपने इन्वेस्ट किया था 2 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये की आपको यहाँ एग्जिम्पशन मिल गई, कैपिटल गेन आपका टैक्सेबल LTCG आपका निल हो गया, ठीक है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट आपने की थी 2 करोड़ रुपए की, आपने इसको सेल कर दिया, इसको सेल कर दिया, ठीक है, कितने में? मान लेते हैं 3.5 करोड़ में, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? 2 करोड़ नहीं, ये सेल हो रहा है विद इन 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर अंदर, 3 साल के अंदर अंदर अगर ये ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इफ इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड विद इन 3 ईयर्स, तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी द ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एग्जेम्पशन क्लेम्ड। ओरिजिनल कॉस्ट 2 करोड़ माइनस एग्जेम्पशन क्लेम, 2 करोड़ एग्जेम्पशन भी क्लेम किए थे हम, तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी निल। और कैपिटल गेन कितना आ जाएगा आपका? 3.5 करोड़ रुपये। ऐसे समझ लीजिए, 2 करोड़ की चीज 3.5 करोड़ में बेच रहे हो ना, तो 1.5 करोड़ का तो फायदा ये है। और दूसरा, गवर्नमेंट ये कहना चाहती है जो 2 करोड़ का एग्जेम्पशन लिए थे ये भी तो हम विड्रॉ करा देंगे तुम्हारा, वो एग्जेम्पशन थोड़ी ना मानेंगे अब हम, तो इसी तो 3.5 करोड़ रुपए आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन होना चाहिए, 3.5 करोड़ हो गया। अगर आपने कोई भी एसेट 3 साल के भीतर बेची जिसके बेसिस पे आपने एग्जेम्पशन क्लेम किया है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट क्या मानी जाएगी उस एसेट की? द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस एग्जेम्पशन क्लेम अर्लियर, उसकी वजह से एग्जेम्पशन जितना क्लेम किए थे वो घटा दो। हाँ, 3 साल के बाद अगर आप बेचते हो तो जो उसकी कॉस्ट थी ओरिजिनल वो मानी जाएगी। आया समझ में सबको? तो आप चाहें तो लिख लेंगे यहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है। इस पॉइंट नंबर 1 के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू एक्चुअल COA माइनस एग्जेम्पशन क्लेम्ड, जितना उसकी वजह से आपको एग्जेम्पशन क्लेम हुआ था, ये है पॉइंट नंबर 1, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल भी आप कहेंगे तो हम करा देंगे। मान लीजिए सेल कंसिडरेशन थी 2 करोड़, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 1.5 करोड़, कैपिटल गेन आया 50 लाख, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की भाई जिसके बेसिस पे आपको एग्जेम्पशन मिला, इन्वेस्टमेंट क्या की आपने? इन्वेस्टमेंट किया आपने 70 लाख रुपए की। भाई 70 लाख रुपए की भी इन्वेस्टमेंट की तो आपको एग्जेम्पशन कितना मिला होगा? 50 लाख। एग्जेम्पशन के नेवर एक्सीड योर इनकम, टैक्सेबल LTCG आपका निल हो गया। अब ये जो इन्वेस्टमेंट 70 लाख रुपए की हो, आप इसको सेल कर रहे हो, सेल विद इन 3 ईयर हो रहा है, 3 साल के बाद होगा तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। सेल 3 साल के अंदर अंदर हो रही है तो सेल कंसिडरेशन अब क्या है? मान लेते हैं इस एसेट को हम लोग बेच रहे हैं 1 करोड़ की, ठीक है, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसमें से क्या लिया जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा द ओरिजिनल कॉस्ट दैट इज 70 लाख माइनस एग्जेम्पशन क्लेम डालिए, एग्जेम्पशन क्लेम डालिए 50 लाख है, तो 20 लाख रुपए इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी, 80 लाख रुपए आपका फिर से कैपिटल गेन आ जाएगा। एक्चुअली गवर्नमेंट बहुत इंटेलिजेंटली काम कर रही है, 80 लाख रुपए पे टैक्स लगना भी चाहिए था। आइए मैं समझाता हूँ क्यों लगना चाहिए था। 70 लाख की एसेट आपकी कितने में बिक रही है? 1 करोड़। ध्यान से सुनिए, 70 लाख की एसेट 1 करोड़ में बिक रही है, 30 लाख का फायदा है, 30 लाख रुपए ये टैक्सेबल होना चाहिए, और जो 50 लाख रुपए की एग्जेम्पशन क्लेम किए थे ये भी तो टैक्सेबल होना चाहिए, तो 30 और 50 80, ये आ गया 80, उतना ही आ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, तरीका जो है वो आप कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे, तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एग्जेम्पशन क्लेम कर दिया, ठीक है, जितना हम पहले एग्जेम्पशन क्लेम किए हैं उतने से अगर हम कॉस्ट घटा देंगे तो अल्टीमेटली मेरी उतने से इनकम बढ़ेगी ना, यही तो गवर्नमेंट कर रही है।
चलिए अंडर सेक्शन 54F। अब 54F में ध्यान दीजिएगा, आपको प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन मिलती थी। आप 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए तो क्या एग्जेम्पशन 2 करोड़ रुपए की आती थी? नहीं, याद करिए 54F में क्या होता था, कैपिटल गेन जितनी एग्जेम्पशन पाने के लिए हमको इन्वेस्ट कितना करना पड़ता था, कैपिटल गेन जितनी इन्वेस्टमेंट पाने के लिए हमें इन्वेस्ट कितना करना पड़ता था, पूरा सेल कंसिडरेशन। आपको एग्जेम्पशन जितनी इन्वेस्टमेंट होती थी उतना नहीं मिलता था। तो भाई अगर मान लीजिए मैंने उस एसेट को बेच दिया जो हमने 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट की थी, तो 5 करोड़ की वजह से एग्जेम्पशन थोड़ी ना हमको 5 करोड़ रुपए मिली थी, तो टैक्सेबल भी आज कम होना चाहिए, जितना पहले एग्जेम्प्ट हुआ था उतना ही टैक्सेबल होना चाहिए। तो सरकार वही कह रही है, बिसाइड द न्यू कैपिटल गेन द कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट अर्लियर अंडर सेक्शन 54F शैल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड। कह रहा है कि जितना पहले कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ था उतना फिर अब टैक्सेबल हो जाएगा। मैं समझाता हूं यहां क्या होगा, ये अदर देन 54F वाला केस था। अब सेक्शन 54F वाला केस देखते हैं। मैंने सेल कंसिडरेशन की 5 करोड़ रुपया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था मान लीजिए 3 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया क्या आया LTCG, ठीक है। अब इसमें से मैंने एग्जेम्पशन क्लेम की 54F की, 54F में जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया, इन्वेस्टमेंट किया मान लेते हैं 3 करोड़ रुपये। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ रुपए किया है तो मुझे एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, फॉर्मूला लगाइए मुझे कितनी मिलेगी, LTCG इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन, ठीक है। LTCG कितना, 2 करोड़, अमाउंट इन्वेस्टेड 3 करोड़, नेट सेल कंसिडरेशन 5 करोड़, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 करोड़ डिवाइडेड बाई 5 करोड़, 1.2 करोड़, ठीक है। तो यहां पे हमको एग्जेम्पशन मिली 1.2 करोड़, ठीक है। कितना हो जाएगा, 80 लाख रुपए टैक्सेबल LTCG, ठीक है। नाउ अब ये जो इन्वेस्टमेंट थी 3 करोड़ रुपए वाली, ये सेल हो गई, ये आपने सेल कर दिया विद इन 54F में क्या चीज की एग्जेम्पशन थी आपको याद है, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, आप बेच के हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हाउस प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी को अगर आपने 2 साल के भीतर भीतर बेचा तो शॉर्ट टर्म आएगा, नहीं तो लॉन्ग टर्म आएगा, ठीक है। तो सेल विद इन 3 ईयर में, अब आपको बताना होगा एक्चुअली सेल विद इन 3 ईयर में कितने ईयर में हुआ, मान लेते हैं 1 ईयर में हुआ मान लीजिए एक बार, क्योंकि अगर मोर देन 2 ईयर पे होगा तो लॉन्ग टर्म आएगा नया वाला भी। अब इन्वेस्टमेंट इसको सेल कितने में हुआ, सेल कंसिडरेशन मान लीजिए 5 करोड़ रुपए में, 6 करोड़ रुपए में, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3 करोड़ रुपए। अब ये 3 करोड़ रुपए क्या बन जाएगा, LTCG, और ये जो 1.2 करोड़ आपको एग्जेम्पशन मिली थी पहले, ये इस साल का ये STCG है, ये है STCG क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर बिका है, और ये 1.2 करोड़ इस साल का LTCG भी आ जाएगा, प्लस LTCG 1.2 करोड़। 54F में अगर आपने एग्जेम्पशन लिया है तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे एकदम, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को बदला नहीं जाएगा, जो आपका नॉर्मल कॉस्ट एक कैपिटल गेन आ रहा है उसके ट्रांसफर पे वो तो रहेगा ही, और पहले जो एग्जेम्पशन हुई थी आपकी वो पूरी पूरी इस बार LTCG बन जाएगी अलग से, ऐसा नहीं हो रहा था। बाकी सेक्शन में क्या हो रहा था, हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को एडजस्ट कर रहे थे, 54F वाले में ऐसा नहीं करेंगे। 54F वाले में हमें प्रोपोर्शनेट, जितना हम इन्वेस्ट कर रहे थे उतनी एग्जेम्पशन तो थी नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शनेट आ रही थी, तो गवर्नमेंट ने उसको बहुत सिंपल रखने के लिए बोल दिया कि भाई जितना पहले तुम्हारा एग्जेम्प्ट हुआ था उतना इस बार टैक्सेबल कर देंगे और कैलकुलेशन बाकी नॉर्मल कर देंगे। ठीक है, अच्छा। अब यही अगर मान लीजिए सेल हुआ होता 2.5 ईयर, हम यहां बोल दें मोर देन 2 ईयर पे, ठीक है, लेकिन विद इन 3 ईयर, मोर देन 2 ईयर पे, तो नया वाला भी क्या आता, ये 3 करोड़ LTCG आ गया होता और ये 1.2 करोड़ का LTCG और होता। 54EC और 54EE में आपको 5 साल तक वो बॉन्ड वगैरह इन्वेस्टमेंट को अपने रखना था,
तीन साल नहीं, यहाँ पाँच साल रखना होता है। इफ सच सिक्योरिटी एक्वायर्ड इज कन्वर्टेड इन टू मनी और एनी लोन इज टेकन अगेंस्ट सच सिक्योरिटी विद इन फाइव ईयर द कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन दिस एंड दिस फॉर सिक्योरिटीज अर्लियस विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच कन्वर्जन टू प्लेस और द लोन इज टेकन। ध्यान दीजिएगा, आप बेच भी नहीं सकते हो, दूसरा आप उसको गिरवी रख के पैसा भी नहीं उठा सकते हो। अगर आपने गिरवी रख के पैसा उठा लिया तो आपने लिक्विडिटी ले आई। देखिए, गवर्नमेंट आप चाहती थी कि आपका पैसा वहाँ इन्वेस्टेड रहे, राइट? आपने पैसा इन्वेस्टेड तो रखा नहीं, आपने उसी को खरीद के एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया और फिर उसी को गिरवी रख के पैसा उठा लिया अपना। तो गवर्नमेंट कह रही है नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया पाँच साल के भीतर भीतर, तो जितना पैसा आपको एग्जेम्प्ट हुआ था वो जब भी आप उसको ट्रांसफर करेंगे या उस पर लोन लेंगे तो हम उस समय की LTCG बना देंगे उसको, जो भी आपने एग्जेम्पशन क्लेम किया था, राइट? चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कंसीक्वेंसेस। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो आज की क्लास में आप पढ़ रहे हैं ना, ये कंसीक्वेंसेस, कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट, जनरली आपको इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने को रेयरली मिलते हैं, ठीक है? बस थ्योरेटिकली हमको ये सब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या होता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो जनरली 54 से लेके 54GB के एग्जेम्पशन को क्लेम करने के लिए आता है इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है? एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, बस 54F तक ही आता है, मतलब 54, 54B, D, EC, EE और F, इतने सेक्शन से ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जनरली रहते हैं आपको। कंसिक्वेंसेज, इफ द अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन स्कीम इज नॉट यूटिलाइज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 3 ईयर। बट क्या ये सारी भी चीजें पता होनी चाहिए? हाँ, एक नंबर दो नंबर के क्वेश्चन, MCQ बेस्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दीज थिंग्स, और इसी में से पूछना भी चाहिए भाई। कॉन्सेप्चुअल बातें हैं सारी एंड यू मस्ट नो दीज थिंग्स, ठीक है? तो अटेंशन पूरा 100% चाहिए यहां भी। कंसिक्वेंस, इफ द अमाउंट डिपॉजिट इन कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट इज नॉट यूटिलाइज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 3 ईयर और 2 ईयर एज इन द केस ऑफ 54B। भाई कैपिटल गेन स्कीम में अगर पैसा डालते हो तो कहीं 3 साल का समय मिल रहा है, कहीं 2 साल का समय मिल रहा है कि आपको इतने समय के अंदर एसेट खरीदनी है। अगर आपने नहीं खरीदा तो क्या होगा? तो कह रहा था अनयूटिलाइज अमाउंट शैल बी द कैपिटल गेन ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच पीरियड हैज एक्सपायर्ड। जैसे ही आपका पीरियड एक्सपायर हुआ, 2 साल का आपको समय मिला था, 2 साल खत्म हुआ, तो जितना पैसा कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में अनयूटिलाइज पड़ा है वो आपकी इनकम बन गई तुरंत। खाते में पैसा पड़ा बचा, आपकी वो इनकम बन गई। लेकिन 54F में अगर आपने एग्जेम्पशन क्लेम की तो जितना पैसा बचा वो आपकी इनकम नहीं बनेगी, क्योंकि जितना पैसा आप स्कीम में डाले थे क्या उतने पैसे की एग्जेम्पशन मिली थी? नहीं। तो जब पैसा बचा हुआ भी होगा तो आपका जितना पैसा बचा उतना आपका इनकम नहीं बनेगा, कम इनकम बनेगा, ठीक है? हाउएवर इन केस ऑफ 54F प्रोपोर्शनेट अमाउंट शैल बी टैक्सेबल, सच स्मॉल कैलकुलेशन कैन बी आस्क्ड इन अ स्मॉल क्वेश्चन। चलिए आइए इस बात को करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम्पल लीजिए, अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ₹60 लाख एग्जिमिशन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 54 ₹60 लाख, ठीक है? 54 में आपको एग्जेम्पशन क्लेम किए थे। भाई जितना पैसा डिपॉजिट करते हो उतनी पूरी एग्जेम्पशन मिलती है, हमको लिखने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ 54F में होता है कि हमको प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन मिलती है, राइट? 54 में आपने एग्जेम्पशन क्लेम की थी। नाउ अमाउंट लाइंग इन CGS अकाउंट CGS एट द एंड ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम स्टिपुलेटेड टाइम कितना? ₹25 लाख। तो अब जैसे ही ये बचा हुआ मिल जाएगा, इन द सेम ईयर जिसमें ये बचा हुआ पड़ा है, एंड ऑफ द स्टिपुलेटेड टाइम जिस पीरियड में आया, जिस फाइनेंशियल ईयर में आया, उस फाइनेंशियल ईयर की इनकम बन गई, LTCG बन जाएगी कितना? ₹25 लाख। ये क्लियर हो गया ना आपको? अच्छा, आपने एग्जेम्पशन जो क्लेम किया था वो STCG के अगेंस्ट क्लेम किया था,
अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट क्लेम किया था तो आपकी इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सी इनकम से कराया था। अब जैसे सेक्शन 54 है तो वो तो भाई एसटीसीजी से मिलता ही नहीं ना है, आपने कुछ सेक्शन पढ़े थे जहां पे एसटीसीजी से भी मिल जाता है एग्जेम्पशन, तो भाई अगर एसटीसीजी एग्जेम्प्ट हुआ था तो आज इनकम भी क्या बनेगी, एसटीसीजी ही बनेगी, राइट। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेल कंसिडरेशन 5 करोड़, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3 करोड़, एलटीसीजी 2 करोड़, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F। अब 54F में क्या होता है देखिएगा, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F, इन्वेस्टमेंट 3 करोड़, इन्वेस्ट आपने किया है 3 करोड़ रुपया, आपको एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, आइए यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं, एलटीसीजी इनटू इन्वेस्टमेंट अपॉन सेल कंसिडरेशन, एलटीसीजी 2 करोड़ इनटू इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन 5 करोड़, ये हो गया 1.2 करोड़, ठीक है, ये हो जाएगा 1.2 करोड़ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट नहीं है ये, बेसिकली कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में डाला गया है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 1.2 करोड़, तो 80 लाख रुपया अभी भी कैपिटल गेन आ रहा था टैक्सेबल टीसीजी, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम रुपीज 2 करोड़ लाइंग इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, ये 3 करोड़ रुपया कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में डाले, 1.2 करोड़ का एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया। अब जब भी जब समय पूरा हुआ तो 2 करोड़ रुपया अकाउंट में बचा हुआ था, तो अब कितना टैक्सेबल होगा, अब कितना टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो आप करेंगे एलटीसीजी इनटू अमाउंट लेफ्ट अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन, एलटीसीजी कितना 2 करोड़ इनटू अमाउंट लेफ्ट 2 करोड़ डिवाइडेड बाई नेट सेल कंसिडरेशन 5 करोड़, 4 डिवाइडेड बाई 5.8, 80 लाख रुपया, ठीक है, 80 लाख रुपया टैक्सेबल होगा, 2 करोड़ रुपया बचा है तो 80 लाख रुपया टैक्सेबल होगा। आप भी दिमाग लगा के सोचिए जरा सा, 3 करोड़ पे 1 करोड़ 20 लाख रुपया एग्जेम्प्ट हुआ था, यानी 1 करोड़ का 40 लाख रुपया एग्जेम्प्ट हो रहा था। अगर 3 करोड़ पे, ध्यान से समझिए, 3 करोड़ पे 1 करोड़ 20 लाख रुपया अगर एग्जेम्प्ट हुआ तो 1 करोड़ पे कितना एग्जेम्प्ट हुआ, 40 लाख, तभी तो 40 × 3 1 करोड़ 20 लाख हुआ है, ठीक है, 1 करोड़ पे 40 लाख रुपया एग्जेम्प्ट हो रहा है इसका मतलब। तो भाई 2 लाख रुपये पे 80 लाख ही तो एग्जेम्प्ट हुआ है, तो आज टैक्सेबल भी कितना होना चाहिए, 80 लाख ही। तो ये निकालने का तरीका क्या होगा, फॉर्मूला अब याद कीजिए, एलटीसीजी इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन करते थे, तो अमाउंट लेफ्ट अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन, उसी फॉर्मूले को यूज करके निकालेंगे कि कितना पैसा अब टैक्सेबल होगा, तो 80 लाख वुड बी एलटीसीजी नाउ, वुड बी एलटीसीजी नाउ। सब लिख रहे हैं ना आप मजे से एकदम, आइए 54B, अगर आपने स्टार्टअप में पैसा लगाया 25% ज्यादा, ठीक है, तो SSC ट्रांसफर्स इज शेयर होल्डिंग इन द स्टार्टअप कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। अगर आपने 5 साल के अंदर अंदर अपनी होल्डिंग बेची, द सेट कंपनी डज नॉट इन्वेस्ट द अमाउंट इन न्यू एसेट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ROI। देखिए, हमने पैसा लगाया था कंपनी में तो कंपनी को भी तो अपनी रिटर्न के पहले पहले एसेट में इन्वेस्ट करना था। मान लीजिए कंपनी ने इन्वेस्ट नहीं किया एसेट में, या मैंने 5 साल के अंदर अपने शेयर बेच दिए, द सेट कंपनी ट्रांसफर द न्यू एसेट एक्वायर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, या फिर वो कंपनी जो एसेट एक्वायर की थी वो 5 साल के अंदर बेच दी, तो जो भी कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ था वो उस समय टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो भी कैपिटल गेन सेक्शन 54B में एग्जेम्प्ट हुआ है, क्योंकि आपने पैसा कहां लगाया था, एक एलिजिबल स्टार्टअप में पैसा लगाया था 25% से ज्यादा होल्डिंग लेके, तो आपसे कह रहा है कि वो जो भी कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ था वो टैक्सेबल हो जाएगा अगर इन 3 में से कुछ भी हुआ। नंबर 1 क्या कह रहा है, अगर आपने 5 साल के अंदर स्टार्टअप का शेयर बेचा। नंबर 2, अगर स्टार्टअप ने अपनी रिटर्न के पहले पहले वो पैसा इन्वेस्ट नहीं किया एसेट में। तीसरा, अगर वो स्टार्टअप ने एसेट खरीदने के 5 साल के अंदर अंदर उस एसेट को बेच दी, तो आपका कैपिटल गेन जो एग्जेम्प्ट हुआ था वो
टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। तो दीज आर द कंसिक्वेंसेज दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। इन कंसिक्वेंसेज का आपको ध्यान देना होगा, और जो एग्जेम्पशन मिली थी आपको वो यहीं पे विड्रॉ हो जाती है। तो यू विल हैव टू टेक केयर कि जितनी भी कंडीशन थी जिससे आप एलिजिबल बन रहे थे एग्जेम्पशन के लिए, वो कंडीशन कंप्लाइड आगे फ्यूचर डेट में भी रहनी चाहिए फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि जो हमारा एग्जेम्पशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट था वो पूरा खत्म हो गया आज की क्लास में।